वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 12 सितंबर यानी कल होना है ग्रुप ए वाले स्टूडेंट का। तो आपको अपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम छूटे ना। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोविड-19 की महामारी चल रही है, जिसकी वजह से आपको सबसे पहला पॉइंट, आपको पर्सनल फेस मास्क एक रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्यारे दोस्तों, आपको हैंड सैनिटाइज़र एक ले लेना है। तीसरा पॉइंट प्यारे दोस्तों, आपको ब्लू अथवा ब्लैक बॉल पेन, या तो आपके पास नीला या ब्लैक एक पेन ले लीजिएगा, जो आता है गोल्डेक्स का 3 वाला, वही आप एक पेन ले लीजिएगा। उसके बाद से चौथा पॉइंट प्यारे दोस्तों, एक आईडी प्रूफ लेना है। आईडी प्रूफ में जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या किसी का DL होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी ले लीजिए। यानी आपको आईडी प्रूफ वैसा लेना है जिसमें आपका फ़ोटो क्लियर हो, वही आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। तो आधार कार्ड आप ले लेंगे तो सबसे बेटर होगा, जिसमें आपका फ़ोटो क्लियर हो। उसके बाद से प्यारे दोस्तों, आपको अपना एडमिट कार्ड लेना है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। यदि आपके एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है तो दो फ़ोटो ले लीजिएगा। दो फ़ोटो ऐसे फ़ोटो लेना है जो फ़ोटो आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए यूज किया था, उसी में से दो फ़ोटो आपको लेना है। कब? जब आपके एडमिट कार्ड पर आपका फ़ोटो क्लियर ना हो, उस केस में आप दो फ़ोटो ले लीजिएगा, और वही फ़ोटो ले लीजिएगा जो आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म ऑनलाइन करते समय यूज किया था। उसके बाद से प्यारे दोस्तों, आपको एक ट्रांसपेरेंट मिनरल वाटर ले लेना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो रहा प्यारे दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और प्यारे दोस्तों, आपको अपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम बेटर बनाने के लिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम है तो आज की रात एक अच्छी नींद जरूर लीजिएगा। एक अच्छी नींद लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपका माइंड फ्रेश होता है, फ्री होता है, और किसी भी काम को करने के लिए एक्टिव होता है। तो एक अच्छी नींद लीजिएगा जिससे आपका माइंड फ्री हो और फ्रेश हो। उसके बाद से प्यारे दोस्तों, आप फ्री माइंड से एग्ज़ाम दीजिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से, जो भी आप पढ़े हैं 2-4 महीने में, अच्छी तरीके से आप अपना आउटपुट दे पाएँ। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छा से अच्छा नंबर लाइएगा। और यकीन मानिए प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेहनत किया होगा और लगन से पढ़ाई की होगी, तो 100% आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाएगा और अच्छा से अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देंगे और एक अच्छा से अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपके अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के लिए और अच्छा नंबर गेन करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और प्यारे दोस्तों, आपके बेस्ट एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ़ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।